एमएसएसएमआईएस गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक से आपके 10 मार्क्स आपके फिक्स हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, हर बार आते हैं 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य अकॉर्डिंग टू चेतन और अचेतन, दो मार्क्स में कई बार पूछेंगे। स इंद्रियम चेतनम, जिसमें इंद्रिया प्रजेंट हो उसको हम चेतन द्रव्य बोलते हैं। निर इंद्रियम अचेतनम, जिसमें इंद्रिया अब्सेंट हो उसको अचेतन द्रव्य। ये द्रव्य हो गया भैया, ये चेतन और ये अचेतन। अचेतन द्रव्य जिसमें इंद्रिय अब्सेंट होता है, क्या अब्सेंट होता है? इंद्रिय अब्सेंट होता है। इसके एग्जांपल गोल्ड कॉपर सिल्वर वगैरह ये सब हो गया। कभी देखे हो रिस्पॉन्स करते हो गोल्ड कॉपर सिल्वर कान में पहने रहते हैं, कभी देखे हो हाथ में पहने रहते हैं, रिस्पॉन्स करता है नहीं करता है। अब हम बात करेंगे क्या चेतन द्रव्य में, इसको ये भी दो टाइप है, अंतर चेतन बाहिर चेतन। स्लोक लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, फिर एक्सप्लेनेशन लिखना है लाइन बाय लाइन। दो के दो मार्क्स मिलेंगे, कटेंगे थोड़ो भी नहीं। अंतर चेतन अगर पांच में पूछेगा तो थोड़ा और डिटेल करना। अंतर चेतन, अंतर चेतन में क्या होता है, इसका जो रिस्पॉन्स होता है ना हिडन होता है। जैसे भी प्लांट को देख लो, अब कहोगे प्लांट है, जैसे कि बात करें टच मी नॉट लज्जालु प्लांट, लज्जालु या टच मी नॉट प्लांट को जैसे हम टच करते हैं तो ये क्या होता है, ऐसे हाथ में सिकुड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है। यानी कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, हिडन होगा, ठीक है। अब आता है बाहिर चेतन, क्या आता है बाहिर चेतन, जिसका रिस्पॉन्स जो मूवमेंट शो करता है। क्या शो करता है भैया? मूवमेंट शो करता है, मतलब इधर से उधर एक मूवमेंट, स्पेसिफिक मूवमेंट शो करता है। जैसे कि ह्यूमन के ले लो, एनिमल को ले लो, किसको ले लो भैया, ह्यूमन एनिमल या हम लोगों को ले लो, तो हम लोग क्या मूवमेंट शो करते हैं, ये रिस्पॉन्स क्या होता है, दिखता है। तो यह हमारा हो गया क्या, बाहिर चेतन। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ तो कोई डाउट्स नहीं ना, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य बेस्ड ऑन कार्य कारण। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य बेस्ड ऑन कार्य कारण। अब कार्य कारण पे ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, सलोक तो याद ही होगा आपको, ख आदि अन्य आत्मा, ख आदि अन्य आत्मा, ख आदि अन्य आत्मा, आत्मा मना, अन्य आत्मा मना, कालो दिशज द्रव संग्रह, कालो दिशज, कालो दिशच, कालो दिशच द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह। यहाँ तक कोई दिक्कत? चरक सूत्र स्थान का श्लोक है, किसका श्लोक है भैया, फिर रेफरेंस लिखना ना भूले, पहला अध्याय का 48वां श्लोक है ये। ख आदि अन्य आत्मा, समझिए अच्छे से, ख ख ख मतलब क्या होता है भैया, आकाश, क्या होता है आकाश। आदि अन्य आत्मा तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत हो गए। ख आदि का मतलब क्या हो गया, पंच महाभूत। क्या हुआ, ख आदि का मतलब क्या हुआ, पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। आत्मा एक हो गया आपका आत्मा छठा, मन सतमा, काल आठवा और दिशा ये नौ हो गया। ये क्या हो गया, कार्य कारण के अनुसार कितने हो गया, कारण ये कितने हो गए, कार्य कारण के अनुसार ये जो हो गया द्रव्य कितने तरह का हो गया, नौ तरह का हो गया। ये क्या हो गया, कारण द्रव्य हो गया। अब बात करेंगे हम क्या, कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य क्या होता है, कार्य द्रव्य क्या होता है, पंच महाभूत का बना होता है। कार्य द्रव्य आपका किसका बना होता है, जो भी कार्य द्रव्य होता है वो किसका बना होता है, पंच महाभूत का बना होता है। यहाँ पे एक श्लोक आपको लिख सकते हैं, सर्व द्रव्यम, सर्व द्रव्यम पंच भौतिकम, सर्व द्रव्यम पंच भौतिकम, ठीक है, जितने भी द्रव्य है यूनिवर्स का वो पंच भौतिक कॉन्स्टिट्यूटेड का बना हुआ है, ठीक है। जो नाइन कारण द्रव्य क्लियर हो गया आपका, कार्य द्रव्य क्लियर हो गया, इसका बना है पंच महाभूत का। कार्य द्रव्य में एग्जाम्पल में याद रख लो क्या, शतावरी, शतावरी या अश्वगंधा, किसको याद रखोगे भैया, अश्वगंधा, ये हो गया आपका कार्य द्रव्य। और कारण द्रव्य क्या हो गया, ये नौ हो गया आपका कारण द्रव्य, ठीक है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्या नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा, ओरिजिन के आधार पर। कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ओरिजिन के आधार पर जो है ना, या उत्पत्ति, क्या बात करते हैं भैया, उत्पत्ति के आधार पर जो है ना द्रव्य को बताइए। तो उत्पत्ति क्या होता है, कोई भी जितने बेस्ट ऑन बेस्ट क्लासिफिकेशन द्रव्य बेस्ट ऑन या अकॉर्डिंग टू उत्पत्ति, अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू उत्पत्ति। कई बार क्वेश्चन में उत्पत्ति की जगह पर ओरिजिन लिखा रहता है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो अपन जानते हैं कि कोई भी यूनिवर्स का जितना भी द्रव्य हो किसका बना है, पंच भौतिक कंस्टिट्यूएंट का बना है। किसका किसका? आका पहला क्या है, सबसे पहला पार्थिव। पांच का बना होगा तो पांच टाइप का हो गया, पांच टाइप का हो गया। इसमें पहला आता है पार्थिव, क्या है पार्थिव। दूसरा अपे, तीसरा तेजस, तेजस मतलब अग्नि, चौथा व्यवायु और पंचमा आकाश। आकाशीय, यहां तक कोई दिक्कत? ये पांच तरह वेस्टर्न ओरिजिन के आधार पर आपके 2 मार्क्स में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ये लिख देना है। अब बात करते हैं इंद्रिय, एक पांच पार्थिव, जो पृथ्वी का जो इंद्रिय अधिष्ठान क्या होता है, तो भैया पता है आपको गंध, क्या हो गया गंध, और इसके रस क्या होगा, तो रस की बात देखो, इंद्रिया अधिष्ठान देख लीजिए। इंद्रिया अधिष्ठान ये क्या हो गया, ये आपका हो गया वर्ग, ये हो गया आपका पहला वर्ग हो गया, दूसरा इंद्रिया अधिष्ठान हो गया। इंद्रिया पंचपंचा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब रस, रस ये रस क्या प्रेसिप्ट करेगा, जो मधुर और कषाय रस वाले द्रव्य इसमें आएंगे। कौन कौन रस वाले? मधुर और कषाय, जो रस होंगे वो द्रव्य आपके पार्थिव द्रव्य में आएंगे। अब गुण की बात करें तो इसमें देखिए, गुण की बात करें तो गुण को समझ लीजिए, ये गुरु होगा क्योंकि पृथ्वी है, तो गुरु होगा, खारा होगा, ठीक है, ये इस तरह से कठिन हो, गुरु खारा कठिन मंदा, ये सब गुण होंगे। क्या होगा? कठिन मंदा। जो पार्थिव मतलब, पार्थिव मतलब क्या, हैवीनेस होगा, भारीपन होगा, तो गुरु होगा, खड़ा होगा, कठिन होगा, मंदा होगा, ये सब इसका गुण होगा, ठीक है। अब कर्म की बात करें तो जब गुरु है तो क्या कर्म करेगा, तो बल ले देगा, मतलब क्या बल ले देगा, गुरु है तो स्निग्धता देगा, बल्ले है, बल्ले होगा, हैवीनेस देगा ना, भारीपन देगा, मतलब उपच्चय, उपच्चय, उपचय, क्लियर, उपचय होगा आपका, गौरवम देगा, क्योंकि भारी है तो क्या देगा, गौरवम, ये भी होगा, ये सब इसका हो गया कर्म विपाक। अब देखिए ये क्या है, भारी है, पार्थिव क्या भारी है, तो इसका विपाक क्या हो जाएगा भैया, विपाक आपका गुरु हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपको ये फ्लो चार्ट्स में बतानी है। श्लोक याद रखना काफी मुश्किल है, ठीक है। अब पे 2 मार्क्स में आपको श्लोक लिखना भी नहीं है, इसके जो गंध हो गया तो रस हो जाएगा। जल का क्या होता है, रस गुण होता है, मधुर अम्ल और लवण, मधुर अम्ल और लवण, इसके क्या हो गए रस, इसमें मधुर अम्ल लवण, और एक का जो क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ा, पार्थिव अपे तेजस वायु आकाश, इसमें याद रखना है कि ये लघु होती है, इसमें लाइटनेस वगैरह की दिखेगी, पार्थिव में ये चीज दिखेगी। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि जो सोर्स के आधार पर, किसके आधार पर क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे, सोर्स के आधार पर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य, क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य बेस्ट ऑन सोर्स, किस पे, बेस्ट ऑन सोर्स के आधार पर, ठीक है। तो सोर्स के आधार पर अकॉर्डिंग टू आचार्य चाणक्य के अकॉर्डिंग भी पूछे तो ये लिख देना आपको, ठीक है। द्रव्य, द्रव्य इसके 4 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला 4 टाइप होते हैं आपके जंगम, जंगम। दूसरा टाइप होते हैं मित्र और भीड़। तीसरा टाइप क्या होते हैं मित्र, पार्थी। ये हम पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। औद्व्यूह के फिर फर्दर डिवीजन होते हैं औद्व्यूह। एग्जाम में जब भी लिखना है तो इस तरह से फ्लो चार्ट करोगे आप तो आपके मार्क्स ज्यादा आते हैं, ठीक है। मैंने फ्लो चार्ट्स में देखे हैं। ये वनस्पति, वनस्पति, दूसरा विरुद्ध, विरुद्ध, तीसरा वनस्पत्या, चौथा वनस्पत्या, वनस्पत्या के बाद चौथा औसत, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए वनस्पति, वनस्पति क्या होती है, वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर विजिबल नहीं, क्लियर, एक ही लाइन में समझ लीजिए, वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर विजिबल नहीं हो
उसको हम बोलते हैं वनस्पति। एग्जाम्पल के लिए आप याद रख लो उदुम्बर पलाक्ष, उदुम्बर और पलाक्ष विरुद्ध, जिसे जिसमें स्टेम जो होता है लिटिल स्टेम हो, जिसमें हर्ब और शरब आते हैं, इसमें कौन आते हैं शरब और हर्ब, जिसमें हर्ब और शरब आते हो ना उसकी बात करेंगे। तीसरा आता है क्या वनस्पति या वृक्ष, जिसमें फ्लावर फ्रूटिंग वगैरह सब विजिबल हो, जो वृक्ष हो जो बड़ा प्लांट हो उसको हम वनस्पति बोलते हैं। औसत वैसा प्लांट जो पहले तो ड्राई हो जाता है फिर डेथ होकर के फ्रूट्स देता है, ड्राई होकर के तब फ्रूट्स देता है, उसको हम बोलते हैं औसत। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य देखेंगे। वैसे आप क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य देखोगे तो टेक्स्ट में बहुत सारा है, ठीक है, और यूज के अकॉर्डिंग है, ठीक है, बहुत सारा है। मैं आपको एक लास्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य बेस्ड ऑन प्रभाव। प्रभाव के आधार पर क्या होता है, तो देखिए तीन तरह का द्रव्य होता है, समनम कोपनम और स्वास्थ्य हितम। तीन तरह का द्रव्य होता है, एक समन करेगा, एक कोपन करेगा, स्वास्थ्य का हित करेगा, ठीक है। ये तीन तरह का द्रव्य हो गया, एक हो गया सिर्फ नाम याद रखने आपको समन, दूसरा कोपन, तीसरा स्वास्थ्य हितम। ये तीन तरह का द्रव्य होता है, एक समन करता है जो दोष का, जो समन कर दे ना, जो दोष को समन कर दे उसको वो द्रव्य इसमें आएगा दोष समन। कोपन जो दोष को प्रकोपित करे, ठीक है, और स्वास्थ्य हितम जो हेल्थ को मेंटेन करे वो द्रव्य इसमें आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि बात पित्त के और कफ के, जो कफ के बात के पित्त के वो इसमें पढ़ने इस चैप्टर्स में, और आपको दशमानी पढ़ने अग्रेगण दशमानी, जो भी दशमानी टोटल है वो आपको पढ़ने, टोटल जो है ना 50 दशमानी आपको पढ़ने। और बात पित्त कफ इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, डेली आपको क्या करना है, डेली बेस में आप याद रख लो, डेली एक दशमानी आपको पढ़ना है, क्या करना है एक दशमानी पढ़ना है बुक में जो दिए हुआ उसी को। और जब दशमानी को पढ़ना है तो उसको क्लिनिकली कोरिलेट करना कि नेचर में अभी प्रेजेंट कौन कौन है, उसका क्लिनिकली यूज क्या करते हैं, तो जैसे क्लिनिक में यूज होगा ना तो आपको फटाक से याद हो जाएगा। तो दशमानी एक डेली याद कर लो आप, 50 डेज में आप याद कर लोगे पूरा, आपके एग्जाम के अभी 50 डेज बचे हुए, ठीक है। तो दशमानी देख लो, दूसरा बात पित्त और कफ को समन करने वाले द्रव्य दिए हुए, रीड करके छोड़ देना है, यहीं पे आपका क्लासिफिकेशन जो है ना क्लासिफिकेशन द्रव्य चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। ये तीन चीज जरूर कर लेना, दशमानी और ये सब चीज आप कर लेना। और हाँ कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।